श्रोमणी अकाली दल ने कहा है कि जिस तरीके शांतिपूर्ण ढंग ना वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह ने अपने आप नूं कानून दे हवाले किया है, आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं उनां खिलाफ कानून मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए है ते निर्दोष सिखां दी फड़ोफड़ी अते उनां नूं खज्जल खुआर करना बंद कर देना चाहिए है। एक बयान दे विच श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी वलों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वलों हाल ही विच सद्दे पंथक इकट्ठ विच दित्ती सलाह अनुसार अपने आप नूं कानून हवाले करन दे फैसले दा स्वागत कीता है। डॉक्टर चीमा ने कहा है कि हुण जदों अमृतपाल सिंह ने अपने आप नूं कानून दे हवाले कर दिता है तां इह आम आदमी पार्टी दी सरकार दी जिम्मेवारी बनदी है कि उह दस्से कि उसने इस मामले ते दहशत दा माहौल क्यों सिरजिया। वैसे तो जी पंथक एकत्रता सिंह साहब ने थोड़ी देर पहला बुलाई सी, सिंह साहब ने भी यही एडवाइस किया कि सरदार अमृतपाल सिंह जोड़ा गिरफ्तारी दे देनी चाहिए है और जो कानून के मुताबिक बनता अदालत में अपना पक्ष, इस करके अच्छा होया कि उन्होंने अब अपनी गिरफ्तारी दे दी और सारा काम शांतमई तरीके के नाल हो गया। और मैं समझता कि ये जोड़ा सिख नौजवानों के खिलाफ बिना वजह तो एक जोड़ा जबर का दौर शुरू होया भी हूँ इतने विराम लगना चाहिए, रुकना चाहिए। इस तो पहले कहते हैं कि गिरफ्तारी जी करनी होंगी सरकार की कभी मंशा होंगी तो औखा काम नहीं, पर पैरामिलिट्री फोर्स लगा के पंजाब में सिख कौम बदनाम करना, इंटरनेट बंद करना, उस चीज़ ने पंजाब की जी छवि है बहुत खराब की। देखो गिरफ्तारी हो गई है, कोई रौला नहीं। इसी कहते हैं कि पंजाब के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारक साथ चाहते हैं, कि तुम अननेसैसरली जी केंद्रीय फोर्स ला के इतने माहौल जोड़ा गलत संदेश दुनिया के दे रहे हो, सिख कौम बदनाम।